हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग आपको बताने जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग में को के सवाल को लगाने के लिए आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट के नंबरिंग को याद करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको आज हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। तो पहला है आप मेरा शॉर्ट ट्रिक ई ज्योति। ई ज्योति आप याद कर लीजिए, इसमें ई का क्रमांक नंबर 5 होता है, अल्फाबेट नंबर 5 होता है। ये 5 के मल्टीपल में होते हैं, ई का 5, जे का 10 प्लस 5, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25, यानी सब में प्लस 5 हो रहा है। ये ज्योति अगर आप याद कर लेंगे तो अल्फाबेट के 26 नंबर का किसी का भी आप अल्फाबेट का नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पी का नहीं पता है, ये ज्योति आपको याद है, तो ई का 5 होता है, जी का 10 होता है और ओ का 15 होता है। तो ओ के बाद क्या पड़ता है? पी पड़ता है, यानी ओ अगर 15 है तो पी क्या हो जाएगा? 16। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको यश का नहीं पता है, आपको ये ज्योति याद है, तो आप देखेंगे कि यश जे के कितने अंक पहले आता है, तो यश के बाद आई जे, दो अंक के बाद जे आता है यश के, यानी जे अगर 10 है तो यश क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये हो गया हमारा ई ज्योति। दूसरा ट्रिक क्या है, इससे भी आसान तरीका कि कैसे आप अल्फाबेट के नंबरिंग को कर सकते हैं, आप सिफ्लोरक्स याद कर लीजिए। सिफ्लोरक्स, CFILORUX, सिफ्लोरक्स, ये 3 के मल्टीपल में होते हैं। सी का 3 होता है, एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है, यू का 21 होता है, एक्स का 24 होता है। ये 3 के मल्टीपल में होते हैं। +3 +3, तो अगर आप सिफ्लोरक्स याद कर ले रहे हैं, CFILORUX, तो आपको अल्फाबेट का नंबरिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप सिफ्लोरक्स याद किए हैं, आपको वाई का पता नहीं है, वाई का मोस्टली लड़कों को पता होता है क्योंकि वाई और जेड लास्ट होता है, जेड 26 होता है, वाई का 25 होता है। मान लीजिए नहीं याद है आपको, तो आप देखेंगे वाई किसके बगल में आता है, यक्स के जस्ट बाद वाई आता है। यक्स का अगर 24 आपको याद है तो वाई का आप तुरंत 25 लगा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से मान लो आपको यम का पता नहीं है, आप सिफ्लोरक्स याद किए हैं, तो यल का 12 होता है, तो यल के बाद जस्ट यम आता है, तो यम का क्या हो जाएगा? 13। ये मेरा दूसरा ट्रिक हो गया। अगर इससे भी आसान तरीका आप जानना चाहें तो मैं तीसरा ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग के लिए, अल्फाबेट नंबरिंग के लिए। ए से अब तक सारे बच्चों को तो याद ही रहता है कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। अब इसके आगे का आप याद कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको ट्रिक बना है बता रहे हैं आपको। जी, जी को आप इस प्रकार लिखते हैं, अगर जी को इस प्रकार लिखते हैं, अगर एक पाई खींच दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 7, यानी जी का अल्फाबेट नंबरिंग क्या हो गया? 7 हो गया। उसी प्रकार यश को आप ऐसे लिखते हैं, अगर यश को ऊपर से एक पाई और नीचे से एक पाई अगर खींच दिया जा रहा है तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, यानी 8। यश का नंबरिंग क्या हो गया? 8। आई का, आई आप ऐसे लिखते हैं, अगर ऊपर से घुमा दे इसे तो कुछ 9 इस प्रकार से आपको दिखेगा, 9 की तरफ, तो आई का क्या हो जाएगा? 9। जे का 10। के का याद करने के लिए कैसे, मान लीजिए कि 11 होता है ना, 11 को अगर इकाई वाले अंक को हल्का सा मोड़ देंगे आप तो कुछ के की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं, यानी के का नंबरिंग क्या हो गया? 11। 12 का कैसे याद करें? यल आप ऐसे लिखते हैं, आगे थोड़ा घुमा दिए और एक पाई खींच दिए तो क्या हो गया यल का नंबरिंग? 12। ठीक उसी प्रकार यम का हम बता रहे हैं आपको, यम का याद अल्फाबेट नंबरिंग याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, यम को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए,
तो आपको यम कुछ इस तरह से दिखेगा। एक पाई खींचिए, यम का 13 हो गया। यन का कैसे याद करेंगे? स्मॉल यन आप ऐसे लिखते हैं, और स्मॉल यन आप ऐसे लिखते हैं, अगर इसको ऐसे कर दिया जाए और आगे एक पाई खींच दिया जाए तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, 14 की तरह। तो यन का नंबरिंग क्या हो गया? 14। ओ का 15, पी का अगर उल्टा कर दिया जाए तो इस प्रकार से दिखेगा, एक पाई खींच दिए, 16 हो गया। पी का नंबरिंग 16 हो गया। क्यू का कैसे याद करें? क्यू आप ऐसे लिखते हैं, कैपिटल क्यू, अगर क्यू को 20 से काट दिया जाए तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, यानी क्यू का नंबरिंग क्या हो गया? 17। आर का कैसे याद करें? आर आप ऐसे लिखते हैं, अगर नीचे आर को ऐसे मिला दिया जाए और एक पाई खींच दिया जाए तो ये 18 की तरह कुछ दिख रहा है, यानी आर का नंबर क्या हो गया? 18। यस का कैसे याद करें? यस आप ऐसे लिखते हैं, अगर यस को ऐसे मिला दिया जाए, एक खड़ी पाई आगे खींच दिया जाए, यस का क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। टी का कैसे याद करें? T20 मैच होता है उससे आप याद कर लिए T20। यू का कैसे याद करें? यू का मुख खुला होता है, इसमें 2 और 1 को बैठा दीजिए, क्या हो गया? 21। वी का कैसे याद करें? वी को आप ऐसे लिखते हैं, अगर आगे से ऐसे कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वी का 22। ठीक उसी प्रकार से डब्लू का कैसे याद करें? डब्लू आप ऐसे लिखते हैं, इसको क्या कीजिए, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा रहे हैं तो इसका 23 हो जाएगा। यम को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए, इस वजह से इसका इसके सामने एक और इकाई खींच दिए तो 13 हो गया, लेकिन डब्लू को घड़ी के विपरीत दिशा में घुमा रहे इसलिए उसके सामने 2 लिखेंगे तो डब्लू का 23 हो जाएगा। यक्ष का स्मॉल यक्ष आप ऐसे लिखते हैं, अगर ऐसे खींच दिया जाए उसके सामने 2 लिख दिया जाए कुछ इस प्रकार से दिखेगा, 24 की तरह यक्ष का नंबरिंग क्या हो जाएगा? 24। वाई का 25, जेड का 26। तो ये हो गया अल्फ़ाबेट के नंबरिंग को आप कैसे याद करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो अल्फ़ाबेट का नंबरिंग आपको यूं ही याद हो जाएगा, आप देखते ही बता देंगे। मान लीजिए एम देखा आपने, तुरंत आप बता देंगे 13 है। डब्लू देखे आप तो आप बता देंगे तुरंत 23 है। आप मान लीजिए एल देखें, हाँ यार एल, तो एल ऐसे 12 की तरह दिखे, यानी एल का 12 हो गया। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब इसी बेसिस पर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग में यह कितना हेल्पफुल करता है। अगर यह कोडिंग डिकोडिंग आप याद कर ले रहे हैं तो 1 मिनट के क्वेश्चन को आप 5 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो आपको हम आप एग्जाम्पल के थ्रू बताने जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है, यदि पी आई एन के को क्यू जे ओ एल लिखा जाए तो बी एल यू बराबर क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप पिंक लिख लीजिए, पी आई एन के क्यू जे ओ एल, इसके अल्फाबेट के नंबरिंग हम कर लेंगे। पी का क्या होता है? 16। आई का क्या होता है? 9। एन का क्या हो जाता है? 14। के का क्या होता है? 11। क्यू का क्या होता है? 17। जे का क्या होता है? 10। ओ का क्या होता है? 15। एल का 12। तो आप देख पा रहे हैं 16 के बाद 17 आ रहा है, 9 के बाद 10, 14 के बाद 15, 11 के बाद 12, यानी प्लस 1 हो रहा है सब में। सिमिलरली बी एल यू बराबर क्या होगा? तो बी का क्या होता है? 2। एल का 12, यू का 21, ई का 5। तो सब में प्लस प्लस 1 हुआ है तो यहाँ भी प्लस प्लस 1 करना है। बी 2 प्लस 1 3, 3 किसका होता है? सी। यहाँ 12 प्लस 1 13, 13 किसका होता है? एम। यहाँ 21 प्लस 1 22, 22 किसका होता है? वी। यहाँ 5 प्लस 1 6, 6 किसका होता है? अब तो आप देखेंगे पी एल यू ई का क्या हो जाएगा आपका? सी एम वी अब आंसर। दूसरा एग्जांपल है, आर ओ एम ए एन को अगर आई एफ डी ए ई लिखा जाए तो डब्ल्यू ए टी ई आर वाटर को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप अल्फाबेट के नंबरिंग को कर लेंगे, आर ओ एम ए एन टोमन बराबर आई एफ डी ए ई लिखा जाता है।
आर का क्या होता है 18, ओ का 15, एम का 13, ए का 1, एन का 14 होता है, आई का क्या होता है 9, एफ का 6, डी का 4, ए का 1, ई का 5 होता है। तो आप देख पा रहे हैं 18 यहाँ 9 लिखा है, 15 यहाँ 6 लिखा रहा है, 13 यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 1 का 1, 14 का 5 लिखा है। यानी 18 को कैसे लिखा गया है, 1 + 8 = 9। ठीक उसी प्रकार 15 को कैसे लिखा गया है, 1 + 5 = 6। ठीक उसी प्रकार से 13 को कैसे लिखा गया है, 1 + 3 = 4। ठीक उसी प्रकार से 1 को क्या लिखा गया है, 1 + 0 = 1। यहाँ 14 को कैसे लिखा गया है, 1 + 4 = 5। तो उसी प्रकार से डब्ल्यू ए टी आर का क्या हो जाएगा, WATER। W का 23 होता है, A का 1 होता है, T का 20 होता है, E का 5 होता है, R का 18 होता है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें इकाई और दहाई के अंक को जोड़कर लिखा गया है। तो यहाँ भी लिखेंगे हम 2 + 1 = 3, 2 + 3 = 5, आ एक सिंगल है, एक वजह से 1 का 1 हो जाएगा, 2 + 0 = 2, 5 सिंगल है 5, 1 + 8 = 9, यानी 5 किसका होता है ई, 1 किसका होता है ए, 2 किसका होता है बी, 5 किसका होता है ई, 9 किसका होता है आई। यानी WATER का क्या हो जाएगा, ई ए बी ई आई आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन आंसर एग्जाम्पल हम आपको बताने जा रहे हैं, रोड बराबर 34 लिखा है तो स्टार बराबर क्या होगा पूछा है। तो आप सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे, ROAD = 34, R का कितना होता है 18, O का 15, A का 1, D का 4। अब देख पा रहे हैं कि इसको ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 1 5 5 10, 4 1 5 5 10 8 18 को 8 1 हासिल, 1 1 2 1 3 38 हो रहा है, लेकिन यहाँ तो 34 लिखा है, यानी -4 = 34। क्यों -4 है, क्योंकि यहाँ 4 अंक है तो 4 माइनस कर दिया। ठीक उसी प्रकार अब स्टार का हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप स्टार का नंबर निकालेंगे, STAR। यस का कितना होता है 19, टी का कितना होता है 20, ए का कितना होता है 1, आर का कितना होता है 18। अब इसको ऐड करेंगे, 8 1 9 9 18 को 8 1 हासिल, 1 1 2 1 2 4 1 5 58। तो इसमें भी जितने डिजिट थे उतना माइनस किया, तो इसमें भी जितना डिजिट है उतना माइनस करेंगे, तो 1 2 3 4 डिजिट है, 4 माइनस करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50 4 54। चौथा एग्जाम्पल हम आपको बताने जा रहे हैं, JUNE को 5 5 3 एक लिखा गया है तो जुलाई को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम इसका नंबरिंग कर देंगे, JUNE, तो J का कितना होता है 10, U का कितना होता है 21, N का कितना होता है 14, E का कितना होता है 5, इसको कितना लिखा है 5 5 3 1। तब देख पा रहे हैं यहाँ 10 है, ऐसे जुड़ेंगे अगर तो 5 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ मिल नहीं रहा क्योंकि 21 है 5 है, नहीं हो पा रहा है। तो दूसरा टिक हम देखेंगे कि यहाँ जे 10 है तो यहाँ 1 है, और यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 21 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 14 है तो यहाँ 5 है। यानी किया क्या है, इकाई और दहाई के अंक को जोड़ के सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट में लिखा है, सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले में लिखा है, इसका यहाँ लिखा है, इसका यहाँ लिखा है, कैसे 1 + 0 = 1 हो गया, जे का 1 हो गया, और सबसे लास्ट का 5 + 0 = 5 लिखा है, यह 21 है। इकाई और दहाई के अंक को आप जब जोड़ेंगे 2 + 1 = 3 हो जा रहा है। उसी प्रकार से यन 14 है,
इकाई और दहाई के अंक को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है, 5। तो सिमिलरली आपसे पूछा किसका है, जुलाई का, JULY। जे का कितना होता है, 10। यू का 21, एल का 12, वाई का 25। तो इसमें सबसे पहले का लास्ट में लिखा है, सबसे लास्ट का सबसे पहले में लिखा है, तो हम भी ऐसे करेंगे। जे 10 होता है, 1 + 0 बराबर 1 हो गया। वाई 25, 2 + 5 बराबर 7 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से इसका यू का कितना हो जाएगा, 2 + 1 = 3 हो जाएगा। यहाँ आपका एल का 2 + 1 = 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 3 3 1। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।